तो चलिए दोस्तों, हम आए हैं अपने गोपालगंज से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर। देखिए, एक बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इस सांप को देखने के लिए। देख लीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से हम इस सांप को इस स्टिक पर उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये देखकर आप अपने घर पर प्रयास ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं अपने घर के पास या घर के अगल बगल ऐसा अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है, यानी कि सरदंश हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस छत के ऊपर ही ये सांप ईंटों के दर्जे में था और इसका रेस्क्यू हुआ। देखिए, इसके रेस्क्यू को देखने के लिए बहुत सारे लोग छत के ऊपर आ गए हैं। देख लीजिए दोस्तों, चलिए इसको हम लेकर चलते हैं और डब्बे के अंदर पैक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती है और बहुत इस सांप को हम देरी से इस स्टिक के सहारे रखे हुए थे। चलिए, इसको डब्बे के अंदर पैक किया जाता है और डब्बे के अंदर पैक करने के बाद से फिर ले जाकर इसके पुनर्वास यानी कि जंगल में हम रिलीज कर देंगे। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से हम डब्बे के अंदर इसको पैक कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर अपने घर पर आप ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा घटना घट सकता है, यानी कि आपके हाथ में सांप काट सकता है और काटने के बाद सबको मालूम है कि इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है अगर इलाज नहीं होता है। तो देखिए, हम डब्बे के अंदर कैसे इसके पूंछ को भी घुसा दिए हैं और खूब आसानी से इसके गर्दन को भी इसके अंदर घुसा दिए थे। और देखिए, पूरा शरीर इस डब्बे के अंदर आ गया और सांप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो चलिए, हम ढक्कन को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सांप नीचे बार बार जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो सरदंश हो सकता है और मारे जाइएगा। चलिए दोस्तों, देखिए कितना आसानी से हम डब्बे के अंदर घुसाए हैं, लेकिन सांप बार बार ऊपर आ रहा है। और देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा से हम इस सांप को इस डब्बे के अंदर पैक कर दिए हैं। और चलिए, इसी के साथ आपसे किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।